ओके गाइज, आप कैसे अपना फेसबुक अकाउंट यानी फेसबुक पेज का अकाउंट उसे एडिट कर सकते हैं, यानी कि कोई भी वेबसाइट है उसमें ऐड कर सकते हैं, आपका जो जो सोशल मीडिया अकाउंट है उसमें ऐड कर सकते हैं, कैसे ऐड कर सकते हैं, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो वीडियो साथ बने रहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको तो क्रोम ब्राउज़र में या फिर कुछ भी ब्राउज़र में लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा, क्या आपका फेसबुक पेज। इसके बाद आपको यहाँ पर थ्री डॉट जो दिखा रही है आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्यों क्लिक करने के बाद आपको आएगा एक ऑप्शन डेस्कटॉप में। डेस्कटॉप साइड में आप विजिट करके आप क्या कर सकते हैं, आप अपने जो सोशल लिंक वो ऐड कर सकते हैं और बहुत सारे एडिट कर सकते हैं आप अपना प्रोफाइल। तो इसे करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर डायन में जाना है। यहाँ पर आपको दिखाएगा एक एरो मार्क, यहाँ पर उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या देखेगा, ये सब चीज़ें देखेगा। यहाँ पर सेटिंग जो प्रोफाइल, आपको आप जिस प्रोफाइल एडिट करना चाहते हो उस प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका प्रोफाइल अभी शो कर लेगा, उसमें क्या क्या चीज़ें है, आप क्या क्या एडिट करना चाहते हो उसमें सब कुछ है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरा जो पेजेस है यानी कि वेबसाइट में जो लिंक किया गया है वह सब दिखाएगा। आप यहाँ पर एडिट बाय कर सकते हैं, एडिट डिटेल्स कर सकते हैं, प्रोफाइल डिटेल्स यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ पर जाना है एडिट ऑप्शन पर, या फिर आप यहाँ पर एडिट ऑप्शन पर एडिट डिटेल्स उसके ऊपर क्लिक कर सकते हो। तो क्लिक करने के बाद आप अगर चाहते हो आपका वेबसाइट एक नया वेबसाइट आप ऐड करना चाहते हो, यहाँ पर देखिए एक आइकन दिखा रहा है पेंसिल का आइकन, तो उसके ऊपर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपको क्या करेगा, इसे कुछ इंटरफेस शो करेगा। अब यहाँ पर आपका यूट्यूब चैनल और कोई सा भी इंस्टाग्राम हो और अदर चैनल का लिंक यहाँ पर ऐड कर सकते हो, सोशल लिंक, और यहाँ पर आप एडिट कर सकते हो। ओके, यहाँ पर अगर जो भी पहले से लिंक किया गया है उसे अगर हटाना चाहते हो और उसमें एडिट करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर ऐड करना है। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर वेबसाइट एड्रेस दिखा रही है और दूसरा भी, और आप नया वेबसाइट भी ऐड कर सकते हो। तो मेरे पास इसको एक वेबसाइट पर पेस्ट कर सकता हूँ, तो इसे मैं पेस्ट कर देता हूँ। करने के बाद यहाँ पर जो सेव आइकन दिख रहा है उसके ऊपर सेव कर दो। सेव हो गया, सेव होने के बाद ये आपका प्रोफाइल सेव हो गया और आप अपना डैशबोर्ड में जो जो डाटा है, कौन फॉलोअर है, वो सब आप देख सकते हैं। तो गाइस, ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।